أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله واللعنة الله على عداء مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب الشاه لي صدري ويسر لي أمري وهل الأخذة من لساني يفكه قولي اللهم عجل لوليك الفرج Respected brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله Thank you very much for joining. सहाावा को जानो कि इस सीरीज के एपिसोड 16 में आज हम जिन दो अब कराम काबन जोफी और जनाब मॅस जनाबिर जोफ़ी के बारे में है कि ये कोफे के रहने वाले थे और इमाम मोहम्मद बाकेम के पास मदीना में उनके साथ उनके पास आए और उनके साथ जो है रहने लगे मतलब उनके असहाबों में इमाम का एक बार इनको लेटर आया और जब ये लेटर आया तो उन्होंने इसे अपनी आंखों से लगाया इसे चूमा और इसे पढ़ने लगे जब उन्होंने इसे पढ़ा तो वो मुस्कुराए खुश हुए और इमीजिएटली जो है कूफा के लिए निकल गए कूफा पहुंचने के बाद अचानक से वो अजीब बिहेव करने लगे अपने पैरों के बीच में लकड़ी डालकर जो है उसे घोड़े की तरह जो है ऐसा पैर मारे थे जैसे कि वो एक घोड़ा और इधर उधर भाग रहे थे बच्चों के साथ लोगों ने कहा जाबिर जो है दीवाने हो गए जो बिल्ला। कुछ दिन बाद जो है, हिशाम जो है सर कलम कर दो और उसे कत्ल कर दो जब इंक्वायरी निकाली गई तो पता चला कि जाबिर इब्ने यजीद जोफी जो है वो इस्लामिक ज्यूरिस थे एक जो है आलिम दीन थे लेकिन अब जो है वो दीवाने हो गए इसके लिए जो है उनको मारने का कोई ये नहीं बनता तो इसीलिए हिशाम इब्न अब्दुल मलिक का माइंड चेंज हो गया और इस तरह जनाब जाबिर इब्न यजीद जोफी की जो है जान बच गई और ये प्रूव हो गया कि जो आइम्मा अलैहिस्सलाम है वो अपने चाहने वालों की किस तरीके से जो है जान बचाते हैं और साथ साथ ये भी प्रूव हो गया कि किस तरह दुश्मन उस जमाने में अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को की ताक लगाए बैठा था कि कहां वो पकड़े जाए और कहा जो इनको कत्ल किया जाए और ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में जो है ऐसे असहाब ने दीन अहल को फैलाया लोगों तक पहुंचाया और उसे बचा कर रखा जो आज तक हम तक पहुंचाया जनाब जावेर यजीर जोफी वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी में जो है इस दुनिया से रहलत कर गए जो दूसरे सहाबी कराम जिनका आज हम डिस्कशन कर रहे हैं वह है जनाब मोल्ला बिन खुनेस जनाब मिला बिन रहमा के बारे में कि परहेजगार थे, थे। इमाम मतलब होल्ड के काम थे उसमें अपना मैनेजर बनाया था और जो है जनाब मोल्ला बिन खुनैस पर जो है कम्प्लीट भरोसा रखते थे लेकिन हिस्ट्री में मैंशन के दाऊद इब्ने अली नाम के शख्स ने जो है जनाब मौ बिन खुनैस को इसी मोहब्बत और मवदत अहल की वजह से जो है जना बिन हुनैस को कत्ल कर दिया जब इमाम सादिक को पता चला तो वो मक्का से खास आए और दाऊद इब्न अली के पास और उसे कहा कि तुमने जो है जिसे मारा है वो डेफिनेटली अल्लाह की नज़र में तुमसे जो है बहुत ऊपर था तुम्हें याद रखना चाहिए कि मिला बिन हुनैस जन्नतुल फिरदौस में जो है रहते हैं मतलब उनका वो मकाम होगा कयामत में तो दाऊद इब्न अली ने कहा नहीं मैंने उन्हें नहीं मारा और किसी और ने मारा और ऐसा सब लेकिन रवायतों में मैंशनड है हिस्ट्री में मैंशंड है कि इमाम सदक़ल ने अपनी नमाजों में और ख़ास करके रात के आखिरी वक्त में जो नमाज शब का जो टाइम होता है उस टाइम में दाऊद इबन अली पर लानत की और कुछ ही टाइम बाद ये खबर आ गई कि उसके घर से गिरिया की आवाज़ आ रही थी और दाउदिब्न अली जो है इस दुनिया से ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے دو نئے اصحاب کی سٹوری کے ساتھ تھینک یو ویری much for joining واخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین مر محمد و محمد سلوات اللهم صل علی محمد و محمد وعجل فرجهم